Good morning, students. Today I teach you chapter number 5, Being Healthy and Strong. Being Healthy and Strong chapter में आपका ways to keep ourselves complete हो चुका है. अब आप जानो कि आपको daily क्या क्या करना चाहिए. Clean hands together with the following habits can prevent germ attack on our body. आप अपने hands को clean करोगे, जिसकी वजह से आपकी जो आदतें होंगी वो आपके जो हैंड क्लीन करने की आपकी हैबिट होगी, उसमें आपके जर्म्स को रोकेगी आपके बॉडी पे अटैक करने से. ठीक है, फर्स्ट है आपका ब्रशिंग टीथ ट्विसर डेली. आपको डेली ब्रश करना चाहिए. टेकिंग अ बाथ एवरी डे. डेली आपको नहाना चाहिए. वॉशिंग हेयर रेगुलरली विथ अ शैम्पू एंड कॉम्बिंग देयर नीटली. डेली आपको बाल जो है आपके उसको शैम्पू करना चाहिए और उसे बहुत ही क्लीन तरीके से, नीट तरीके से, आपको एक नीट कॉम्ब से, मतलब जो बहुत ही क्लीन कॉम्ब हो, डर्टी ना हो, उससे आपको कॉम करना चाहिए. ट्रिमिंग नेल्स वीकली. आपको अपने नेल्स हफ्ते में एक बार कट कर लेने चाहिए, साफ कर लेने चाहिए. वेयरिंग क्लीन क्लॉथ. और आपको कपड़े जो है वो बिल्कुल साफ पहनने चाहिए, मतलब क्लीन पहनने चाहिए. वी शुड ब्रश अवर टीथ इन अ सर्कुलर मोशन. हमें ब्रश सर्कुलर मोशन में करने चाहिए. इफ़ वी डू नॉट ब्रश अवर टीथ प्रॉपरली. अगर आप अपने ब्रश में, अपने टीथ पे ब्रश नहीं करोगे डेली आप ब्रश नहीं करते हो, जर्म्स कैन कॉज कैविटीज एंड बैड ब्रेथ. तो आप जो जर्म्स होंगे ना वो आपके दांतों में कैविटीज लग जाएंगी और बैड ब्रेथ मतलब आपकी सांस लेने से ना बहुत ही गंदी स्मेल आएगी. ठीक. कैन वी प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम जर्म्स जस्ट बाई कीपिंग अवर बॉडी पार्ट्स क्लीन. क्या हम अपने आप को जर्म से बचा सकते हैं अपनी बॉडी की सफाई करके, अपने बॉडी पार्ट की सफाई करके? क्या हम जर्म से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? नो. वी शुड ऑल्सो हैव गुड ईटिंग हैबिट्स. नहीं, हमें अपने खाने की हैबिट को सही रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए. ठीक. इसमें आपका दिया है अदर वेज टू बी हेल्दी. कुछ अदर वेज भी हैं आपके हेल्दी होने के लिए, तो देख लेते हैं क्या क्या है. गुड पॉस्चर एंड रेगुलर एक्सरसाइज आल्सो कीप अवर बॉडी हेल्थ. आपके जो गुड पॉस्चर होंगे, जो आपके बैठने उठने का तरीका है अच्छा होगा, एंड रेगुलर एक्सरसाइज. आप डेली अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो वो भी आपकी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं. द वे वी होल्ड अवर बॉडी वाइल सिटिंग. हम अपने बॉडी को हम जब बैठते हैं तो हमारे बैठने का सही तरीका क्या होता है? हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए, बेंड होके नहीं बैठना चाहिए, झुक के नहीं बैठना चाहिए. स्टैंडिंग और वॉकिंग इज नन एज अवर पॉस्चर. द वे वी होल्ड अवर बॉडी वाइल सिटिंग. जिस जो वे होती है हमारी बैठने की, खड़े होने की, चलने की, उसे हम पॉस्चर कहते हैं. अ गुड पॉस्चर हेल्प्स बोन्स टू ग्रो प्रॉपरली एंड बिकम स्ट्रांग. एक गुड पॉस्चर, गुड अगर आपकी पॉस्चर जो है वो गुड है, चलने का, बैठने का और खड़े होने का तरीका अगर आपका सही है, तो वो आपके बोन्स को स्ट्रांग रखता है और वो प्रॉपरली बिल्कुल ग्रो अप करती है, मतलब ग्रो करती है, बढ़ती है. वी शुड ऑलवेज सीट और स्टैंड इन अ गुड पॉस्चर. हमें बैठना चाहिए, सीट और स्टैंड मतलब बैठना और खड़ा होना. हमें बिल्कुल गुड पॉस्चर मतलब एक गुड पोज में, अच्छे जिस तरीके से हमें बैठना चाहिए, स्ट्रेट खड़े होना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए, तो वैसे अगर हम बैठेंगे तो हमें हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी. तो आप देखो, सिट स्ट्रेट एंड डू नॉट बेंड योर शोल्डर. आपको ऐसे बैठना चाहिए, आपको अपने शोल्डर को बेंड नहीं करना चाहिए, मतलब झुकाना नहीं चाहिए. सेकेंड आपका स्टैंड स्ट्रेट एंड डू नॉट बेंड योर शोल्डर्स. आपको बिल्कुल स्ट्रेट स्टैंड होना चाहिए अपने शोल्डर को. देखिए ये आपका रॉन्ग है. आपको अपने शोल्डर को बेंड्स नहीं करना चाहिए. आपको अपने जो नी है, पैर की जो आपकी नी, घुटना जो है आपका, उसको आपको बेंड नहीं करना चाहिए. बिल्कुल स्ट्रेट होकर आपको खड़े होने चाहिए. ठीक है. आपको जो चलने का जो तरीका है, कीप योर बॉडी स्ट्रेट वाइल वॉकिंग. और आप जब चलते हो ना तो भी आप बिल्कुल स्ट्रेट होके चलो, झुक के नहीं चलो या फिर पीछे की तरफ बेंड होके नहीं चलो. ठीक. आज के लिए आप इतना ही रिवाइज कर लीजिएगा. सेकंड डे हम आपको ये थोड़ा सा आपका चैप्टर बचा हुआ है ये बता देंगे और आई हैव लर्न हेल्दी एंड स्ट्रांग बॉडी के बारे में हम कल आपको बताएंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.